जिस तरह से अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर का विवाद चल रहा था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की आखिर एंट्री क्यों नहीं होती है, लेकिन अब कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि अब सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री होगी। ऐसे में लोगों को जानने का मन करता होगा कि आखिर क्या कारण है जिससे सिर्फ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी, बाकी मंदिरों में तो महिलाएं बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना करती हैं। आखिर वो कौन सी बात है? तो दोस्तों, मैं आज सबरीमाला मंदिर के विशेषता के बारे में बताऊंगा और उसमें नो एंट्री क्यों होती थी ये भी बताऊंगा। तो ये 1500 साल पहले की पुरानी परंपरा है। करीब 10 साल से भी ज़्यादा सालों से ये मामला कोर्ट में चल रहा था। केरल के एक ऐतिहासिक मंदिर सबरीमाला में 10 से 50 उम्र तक की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। पहाड़ियों पर बने इस सुंदर मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इनमें विशेष रूप से भारी मात्रा में पुरुष ही होते हैं। इस मंदिर में सिर्फ 10 साल से नीचे की छोटी बच्चियों को और 50 साल से ऊपर बड़ी औरतों को जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगा हुआ था। सबरीमाला मंदिर एक तरह से भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा कौन थे? भगवान अयप्पा भगवान शिव और विष्णु के पुत्र थे, इसलिए इस मंदिर का महत्व भी और भी बढ़ जाता है। और भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी और तपस्वी भी माने जाते थे, इसलिए मंदिर में मासिक धर्म के आयु वर्ग में आने वाले जो स्त्रियां होती है उसका जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। ऐसा माना जाता था कि मंदिर का पट खुलने से 40 दिन पहले तक महिलाओं को पवित्र रखना पड़ता था, लेकिन 40 दिन तक महिलाओं को पवित्र होना संभव नहीं है ऐसा माना जाता था। और भगवान अयप्पा खुद कहे थे कि यहाँ महिलाओं को आना मना है, ऐसा माना भी जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान कब से ऐसा कहने लगे, वो कब से भेदभाव करने लगे, और जिन महिलाओं को वाकई में भगवान अयप्पा का दर्शन करना है वो अगर चाहें तो 40 दिन तो क्या उससे ज़्यादा दिन तक अपने को पवित्र रख सकती हैं। अब दोस्तों, आपको एक बात तो पता होगा, जब बछेंद्री पाल लगातार कई दिनों तक बिना हौसला हारे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया में असंभव नाम का कुछ भी चीज नहीं है। हालांकि पुराणों में क्या लिखा है इसका प्रूफ किसी के पास नहीं है, इतिहास में क्या हुआ था इसका प्रूफ भी किसी के पास नहीं है, लेकिन लोग मानते जरूर हैं, उसको अप्लाई जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस प्रकार की रेगुलर और बेहतर वीडियोस पाने के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे भला हो सके किसी का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में नए और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।